नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भगवान से कामना करता हूं कि आप लोग जहां भी रहे स्वस्थ रहे और खुशहाल रहे। दोस्तों, हमारा भारत देश अनेकों जड़ी बूटी से भरा पड़ा है। हमारे देश में हजारों लाखों प्रकार की जड़ी बूटी पाई जाती है। पहले के जमाने में इन जड़ी बूटियों का प्रयोग खूब किया जाता था। ऋषि मुनि और आयुर्वेदा चार लोग इसी जड़ी बूटी के प्रयोग से सभी बीमारियों का इलाज किया करते थे। लेकिन दोस्तों, आजकल के जमाने में लोग इन जड़ी बूटियों को भूलते जा रहे हैं और इन जड़ी बूटियों को घास भूस खर पतवार समझकर इसे उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं लाखों जड़ी बूटी में से एक एक ऐसे जड़ी बूटी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो सड़क के किनारे, तालाबों के किनारे, नदी नाले के किनारे इधर उधर दिखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, इस जड़ी बूटी का नाम है चकवड़ यानी चिरौटा। इसको कई भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना पहचाना जाता है, जैसे कि हिंदी में पवार, मराठी में टाकला, बंगाली में चाकुंदा और अंग्रेजी में इसे ओवन लिवेट केसिया भी कहा जाता है। दोस्तों, यह पौधा वर्षा ऋतु के मौसम में अपने आप उगने वाला पौधा है। चकोड़ का पौधा लगभग 2 से 5 फुट तक का होता है। इसमें पीले रंग का फूल उगते हैं। दोस्तों, चकोड़ का पौधा खांसी के लिए बहुत ही गुणकारी होता है, इसलिए इसे काश मर्द का शत्रु भी कहा जाता है। इसके प्रयोग से कैसा भी दाद, खाज, खुजली क्यों न हो, उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, इसके प्रयोग से स्त्रियों के धातु रोग, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द को भी ठीक किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से जान लेते हैं इसके फायदे के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, दाद, खाज, खुजली को ठीक करने के लिए 10 ग्राम की मात्रा में इसके पत्ते को तोड़कर इसको अच्छे से धो लेना है। इसके बाद इसको बारीकी से पीस कर एक मिट्टी के बर्तन में रख लेना है। इसके बाद इसमें 50 ग्राम की मात्रा में दही को लेकर डाल लेना है। दही को डालकर इसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। फिर 1 घंटे के बाद इसको दाद, खाज, खुजली वाले स्थान पर लगाएं। आपका दाद, खाज, खुजली 3 से 4 दिनों में ठीक होते नजर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों, धातु रोग यानी सफेद पानी को ठीक करने के लिए 5 से 10 ग्राम की मात्रा में इसके जड़ों को लेकर इसको चावल के धोवन के साथ पीसकर छानकर स्त्रियों को पिलाने से धातु रोग जड़ से ठीक हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, खांसी को ठीक करने के लिए इसके बीज को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में लेकर इसको चूर्ण बना ले। अब इस चूर्ण को गर्म पानी के साथ कुछ दिनों तक लेने से खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द ठीक करने के लिए इसके बीज को 3 से 4 ग्राम की मात्रा में लेकर इसको चीनी या मीठा के साथ पीसकर इसमें थोड़ा सा घी मिलाकर इसको लड्डू बना ले। अब इस लड्डू को रोजाना सुबह शाम खाएं। आपका कमर दर्द, जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्द जुड़ते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद।